नमस्कार, सिटी न्यूज 18 में आपका स्वागत है। मैं हूं चेकिया। सुमा राजपुर थाना अंतर्गत ग्राम कुसमा से एक खबर सामने आ रही है, जिसमें परिजनों ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर जमकर हंगामा किया। साथ ही ये भी कहा कि उनके परिवार के एक युवक की मौत हुई है, उसकी हत्या हुई है। उस मामले में कार्रवाई की मांग करते हुए परिजनों ने SP ऑफिस में जमकर हंगामा किया। महाराजपुर थाना क्षेत्र के कुसमा निवासी मृतक युवक अनिल कुशवाहा के परिजनों ने सोमवार को SP ऑफिस पहुंचकर महाराजपुर थाना पुलिस की कार प्रणाली पर असंतोष जाहिर करते हुए जमकर नारेबाजी की। मृतक अनिल अहरवार के परिजनों का आरोप था कि महाराजपुर थाना पुलिस ने अनिल की मौत के मामले में सिर्फ मर्ग कायम किया है और उस मामले को दबाना चाहते हैं, जबकि परिजनों का आरोप ये था कि अनिल की हत्या कर उसके शव को पेड़ से लटकाया गया है। इस मामले में परिजनों ने SP ऑफिस में जमकर हंगामा किया और नारेबाजी भी की। परिजन यहां पर धरने पर बैठ गए, जब कहीं जाकर पुलिस अधीक्षक ने परिजनों को समझाया, उसके बाद जाकर कहीं परिजन समझे और धरने से उठे। हमारे बेटे का धमकी दी थी राकेश ने कि मार डालेंगे और फोन कर लड़का चलूगा उनके महत्या को नाम गणपत, बिटिया को नाम पूजा। वे कहाँ की और है, लेकिन वे उनके अपनी जायदाद ने लड़का राकेश ना धमकी दे रहे थे बिटिया के बारे में, धमकी दे रहे थे तुम्हारा लड़का हमारी लड़की से बात करता है तो हम मार डालेंगे। और हमने पूछा भैया कहाँ जा रहा है, भैया बोलो कि राकेश को फोन आओ तो जा रहा है लड़का, सारी रात ढूंढो लड़का नहीं मिलो उन लोगों ने मार दिया। उनकी टाइम सामने वाले मेरे पास फोन लगाया राकेश कुशवाहा ने, कहा घर पे आओ, मौसी मौसिया ने बुलाया है तुमको, कुछ काम है। मैंने कहा आ रहा हूँ, शाम के गया साहब, खेती वाला आदमी हूँ तो मैं अपना काम देखा शाम के गया साहब। तो मैंने कहा भैया कहाँ बुलाओ, का काम है आपको। साहब बोला तुम्हारा लड़का अनिल हमारी पूजा को परेशान करता है, फोन से बात करता है। तो हमने कहा भैया हमारा लड़का ऐसा है नहीं, काम से काम मतलब रखता है, कोई मोहल्ले में नहीं बता सकता, आज तक किसी ने उसका वराना नहीं दिया है, काम से काम करता है साहब को। फिर साहब हम उनको राना सुन के घर आया, हमें लड़का नहीं मिलू, लड़का नहीं मिलू। हमने अपनी पत्नी से पूछो कि भैया अनिल कहाँ है, से जो बोली लेटरिंग करके भाई खिलाने चलोगे बाहर, हमने तो तुम फोन लगाओ आगे, लड़का ने हमारे तो तुम फोन उठाओ, बोलो पापा लेटरिंग कर भी गए आ रहे। इसके बाद फिर 10 मिनट बाद लड़का को फोन नहीं उठो, फिर नहीं फोन उठो हमारे लड़का को, फिर रात भर हमारे ढूंढते रहे फिर नहीं मिलो हमारा भाई। क्या हुआ है, क्या लग रहा है? श्रीमान जी हमको लगता है कि किसी ने हमारे लड़के को मार दिया है, हमारा लड़का कभी आत्महत्या नहीं करता है सर, हमको उन्हीं के ऊपर शक है जिसने फोन लगा के बुलाया है। क्या नाम है? राकेश कुशवाहा। हाँ सर मुझे लगता है कि उन्होंने आत्महत्या की है, मेरा बच्चा नहीं ऐसा कर सकता है। मैं SP साहब के यहाँ आया हूँ अपनी शिकायत लेकर, महाराजपुर पुलिस कुछ नहीं कर रही, 1 महीना होने लगा है, ना लड़के की कॉल डिटेल निकालते हैं ना कुछ करते हैं। हम लोग तो हम कई बार गए, हमने कहा श्रीमान जी इसकी कॉल डिटेल निकलवाओ, कॉल डिटेल निकलवाना चाहते थे उसके बारे में आखिरी फोन जिसका आया उसके ऊपर हमने कहा एक्शन लो, लड़की के फोन है, लड़कों के फोन है, किसके फोन है, फोन ने बुलाया है बच्चे को, हमें तसल्ली मिले, हम तो मरे जा रहे हैं साहब। नहीं हम चाहते हैं न्याय, मैं न्याय चाहता हूँ श्रीमान जी। हाँ श्रीमान जी से मिला मैं, वो कह रहे थे आपको न्याय मिलेगा, मैं खुद देखूंगा इसको।